दोस्तों, मरते मरते बचे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर सौरभ जोशी। हाईवे पर फॉर्चूनर के टायर फटने से हो गया बड़ा हादसा। रेलिंग से टकराने की वजह से और सीट बेल्ट की मदद से मुश्किल हालातों से बच गए उनके साथ साथ साहिल और उनके चाचा जी, वरना एक एक्सीडेंट में चली गई होती तीनों की जान। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि आखिरकार कैसे सौरभ जोशी कार एक्सीडेंट में मरते मरते बच गए हैं। बता दें दोस्तों कि सौरभ जोशी किसी मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे होते हैं, उनके साथ उनके भाई साहिल जोशी और चाचा जी भी थे। तभी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर पहले ही उनके फॉर्चूनर का पिछला पहिया अचानक से फट गया और गाड़ी नाचते नाचते आकर किनारे रेलिंग से टकरा गई। सौरभ जोशी ने खुद बताया कि गाड़ी 100 की स्पीड में थी, लेकिन सडनली न जाने कैसे यह घटना हो गया और उसके बाद से तो वह काफी ज्यादा डर गए थे और उनके पूरी शरीर कांपने लगी थी। उन्होंने गाड़ी के कैमरे में रिकॉर्ड सीन को भी दिखाया कैसे क्या पूरा सीन हुआ था। फिर वह अपने मैनेजर के साथ दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन जब तक बॉबी भैया उनके नहीं आए थे तब तक साहिल और चाचा जी फंसे रहे। लेकिन बॉबी भैया आते ही टायर चेंज कर जुगाड़ व्यवस्था से किसी तरह चालू हालत में कर दिए और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और अच्छी बात तो ये रही दोस्तों कि उनके गाड़ी से ना किसी को चोट लगा और ना ही कोई उनके आगे पीछे बड़ी वाहन थी, वरना आज तो खतरा ज्यादा ही हो सकता था। तो गाइस, क्या सौरभ जोशी को पहले ही टायर चेंज करवा लेना चाहिए था, क्योंकि टायर काफी पुराना लग रहा था। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।